क्या आपने कभी मार्केट वाली बटर या मक्खन बनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करें। यह बहुत आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, जो कि कुछ रेसिपी में इसका इस्तेमाल ज़रूरी होती है। तो आज हम इस मुतल्लिक एक नए वीडियो आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का। यह जो आपके सामने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन दबा कर रखें, जो हर वक्त नए वीडियोस की इतला मिलती रहे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नीम गर्म ऑयल को इसमें ऐड करेंगे। ये न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडे, यानी ऐसा गर्म होना चाहिए कि हाथ ना जले। इस तेल में अभी हम बर्फ के टुकड़े ऐड करते जाएंगे और हाथ चलाते जाएंगे। यहाँ पर हाथ ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा। क्या आपने ये नोट किया है कि मार्केट में जो बटर या मक्खन हम खरीदते हैं, क्या वो ओरिजिनल या देसी हैं? फ्रेंड्स, हरगिज़ नहीं। वो ये हैं जो इस तरह बनाकर मार्केट में बेचते हैं, जो हम आसानी से इसे खरीद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बनाने में आपकी होशियारी ये होना चाहिए कि हाथ को बार बार चलाना होगा, ताकि ये रेसिपी एक बेहतर अंदाज से बन सके। और जो बर्फ़ के टुकड़े मेल्ट हो जाएंगे तो बार बार आपको बर्फ के टुकड़े ऐड करते जाना होगा। मज़ीद आप गिलास ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये पानी बहुत ठंडे हैं, हम चमचे से सहारा लेंगे। आखिरी मराहल में हम हाथ से चलाएंगे और इसका पानी है इसको हम निचोड़ कर दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे। नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने नमक को यहाँ पर स्किप किया है। फिर हम सबको निचोड़ कर इस कवर में रखेंगे। ये येलो कलर है जो अभी हम ऐड कर रहे हैं, ये हमें पहले ऐड करना चाहिए था। फ्रेंड्स, अभी हम इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 24 घंटे के बाद अभी हम इसे खोल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसकी कटाई हम कुछ इस तरह करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कलर की हल्ला हाफिज़।